देखो बच्चों, मैं आपको लास्ट क्लास में द वैल्यू ऑफ प्रिंट मीडिया इन आवर सोसाइटी का एक ऐसे या आर्टिकल समझा रहा था, इसको मैंने यहाँ तक करा दिया था। उसके कंटिन्यू मैं आपको यहाँ पर कर रहा हूँ। आज फाइनल करके आप पूरा नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मैंने आपको प्रिंट मीडिया यानी न्यूज़पेपर के बारे में आपको समझाया था, उसके पॉजिटिव साइड को समझाया था। अब देखिए और आगे अपन लेके चलें। अ न्यूज़पेपर बिकम अ पावर ऑफ इवल इफ डिस्टॉर्ट्स द ट्रूथ एंड प्रेजेंट ओनली द नेगेटिव साइड ऑफ द थिंग। न्यूज़पेपर जो होता है वो हमारे सोसाइटी में नेगेटिव रोल भी प्ले करने लगता है, अगर ये जो सच्चाई है उसको तोड़ मरोड़ के बताए या फिर उसके केवल और केवल नेगेटिव साइड को बताता है, तो यह मेरे पास क्या कहलाता है, ये हो जाता है नेगेटिव साइड। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ठीक है, ये बोल देते हैं कि ये नेगेटिव साइड भी यहाँ पर शो करने लगता, बताने लगता। अ न्यूज़पेपर बिकम अ पावर ऑफ इवल इफ डिस्टॉर्ट्स ट्रूथ एंड प्रेजेंट ओनली इन अ नेगेटिव साइड ऑफ द थिंग। सम यही मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर ये नेगेटिव साइड को बताएगा तो यह सोसाइटी के लिए खराब होगा। समटाइम इट हैज़ बीन सेड दैट द न्यूज़पेपर पब्लिशर फॉल्स रिपोर्ट इन हेट्रेड एंड एनमिटी बिटवीन द कम्युनिटी एंड द नेशन सब्जेक्ट एंड सॉवरेंस। इसका मतलब क्या हो गया, कभी कभी जो न्यूज़पेपर्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं, फॉल्स रिपोर्ट और हेट्रेड यानी घृणा, है ना, घृणा वाली रिपोर्ट बताते हैं, जिससे कम्युनिटीज, है ना, जिसमें कि विभिन्न धर्म सोसाइटी के लोग रहते हैं, सॉवरेन यानी देश की संप्रभुता, है ना, को खतरा हो जाता है। समटाइम द न्यूज़पेपर टेक इंटरेस्ट इन प्रोवोकिंग क्लास हैट्रेड। कभी कभी क्या करता है न्यूज़पेपर जो होता है वो घृणात्मक चीज़ें दिखाता है, जिससे, है ना, बहुत सारे लोगों को इसकी दिक्कत होती है। दे पॉइजन द माइंड ऑफ पब्लिक विथ कम्युनलिज्म, ठीक है। कम्युनलिज्म का मतलब होता है कि दो संप्रदाय, जाति या धर्म के लोगों के बीच में लड़ाई, तो ये दो संप्रदाय या जाति के बीच में लड़ाई आदि का भी कभी कभी काम करने लगता है। इन ऑर्डर टू विन चीप पॉपुलैरिटी बेसलेस गॉसिप इज स्प्रेड। इससे क्या होता है, जो सस्ती चीप पॉपुलैरिटी का मतलब क्या हो गया, सस्ती, है ना, वाही मिल जाती है, ठीक है, और गॉसिप यानी कोई भी गलत फॉल्स कैसे भी रिपोर्ट कैसे होती है, सब जगह फैल जाती है। गुड न्यूज़पेपर शुड नॉट मिसकोट और मिस रिप्रेजेंट द फैक्ट। इसलिए एक अच्छे न्यूज़पेपर को गलत चीज़ें और गलत जानकारियां नहीं देना चाहिए। इट शुड प्रमोट द फीलिंग ऑफ नेशन इंटीग्रेशन इंस्टीड ऑफ इनकरेजिंग द फिसीपोरस टेंडेंसीज। इसको हमारे देश के लिए, एकता के लिए इसको प्रयास करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, ना कि गलत जानकारी हो तो देकर लोगों के बीच में गलत इंफॉर्मेशन देकर इनके मनमुटाव पैदा कर सके। ओवरऑल न्यूज़पेपर हैव बिकम अ थिंग ऑफ नेसेसिटी इन मॉडर्न टाइम। ठीक है, जैसा भी हो लेकिन आज की डेट में न्यूज़पेपर हमारे आधुनिक समय में आवश्यक है। देयरफॉर द गवर्नमेंट शुड गिव एज मच लिबर्टी टू देम एज इट मे बी पॉसिबल टू गिव देम। इसलिए सरकार को न्यूज़पेपर को जितनी ज़्यादा स्वतंत्रता है देना चाहिए। द ओनली रिस्ट्रिक्शन दैट द गवर्नमेंट शुड इम्पोज ऑन देम शुड बी that they should not be allowed to publish sensational news and dirty advertisement. केवल इनको कोई sensational
है ना, या ब्रेकिंग न्यूज टाइप की या गद्दे एडवर्टाइजमेंट पर रोक लगाना चाहिए। इफ दिस इज डन न्यूज़पेपर विल श्योरली बी द वैल्यूएबल सर्विस टू द कंट्री। अगर यह होता रहेगा तो यह एक महत्वपूर्ण सेवा होगी देश की, बाय मेंटेनिंग द ऑब्जेक्टिव एंड फेयर स्टैंडर्ड। और इस यह है एक अच्छा गोल या विचारधारा, ठीक है, को रखेगा और यह अच्छा एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखेगा। ये द वैल्यू ऑफ न्यूज़पेपर इन अवर सोसाइटी का पूरा एक टॉपिक है। इसको आप ऐसे एज आ है ना, और एक आर्टिकल आप समझ के इसको नोट कर लीजिए। अच्छा लेटर है।